देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर बिहार सरकार ने, मोदी जी ने 13 स्कीमें बनाकर पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल को अलग अलग जगह भेजा है भारत में कि आप सभी जगह जाकर बताएं लोगों के कि हमने 9 वर्ष में क्या क्या कार्य किए हैं। अलग अलग स्कीमें बनाकर उन्होंने भेजा, उसी में, उसी की तहत, उसी कड़ी में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ 18 तारीख को सिरसा में आ रहे हैं और वो 9 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी की जो मोदी जी ने कार्य किए हैं, मोदी जी ने जहाँ वर्ल्ड में भारत को वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुँचाने का काम किया है, जैसे आज 80 करोड़ लोग जनता को फ्री अनाज मिल रहा है, जो जो स्कीमें उन्होंने बनाई है, चाहे आज जल की स्कीमें हैं, आज सड़कों की स्कीमें हैं, या गरीबों के लिए जो स्कीमें बनाई है, ऐसे बहुत कार्य किए हैं, लोगों को शिक्षा के कार्य किए हैं, उनके जो चीज़ें हैं वो बीच में जनता को बीच में रखने के लिए आएंगे। और बहुत, मेरे ख्याल तादाद में हमने जो उम्मीद सोची है उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचेंगे। ये खाली एक लोकसभा की रैली नहीं होगी, ये इतिहास बनाएगी, ये पूरे हरियाणा की रैली के रूप में उभर कर आएगी। सिरसा की रैली, यहाँ से एक ऐसी आवाज़ निकलेगी, क्योंकि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि लोकसभा चुनावों से पहले जो बिगुल बजना था वो हमारे सिरसा में मिला है, तो यहाँ से एक बड़ा इतिहास बनकर निकलेगा। देखिए, अभी तक 90% तो यही है कि अनाज मंडी है, अगर कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अगर आदेश आएंगे तो कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन वो भगत सिंह स्टेडियम का आएगा, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमारे पास तो सारे स्ट्रक्चर तैयार हैं, हमारी रैली के लिए सब मापदंड तैयार हैं और लगे हुए हैं, दिन रात सभी जगह हमारे प्रचार में भी लगे हुए हैं, हमारे सभी साथी भाजपा के सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। देखिए, मैं कल रानिया गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा व्यवस्था मेरी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि सारा रैली का जो मंच व्यवस्था मैं खुद देख रहा हूँ, तो उस कारण से मैंने आज जाना तो 31 गाँव में भी था, इलाहाबाद मेरे हल्के में जाना था, मैंने आज अभी पूरी सिरसा के 31 गाँव की लोग बुलाए थे, कुछ जो मुझे उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर आए हैं, आपने देखे हैं सैकड़ों की संख्या में पहुँचे हैं। बड़ा लोगों में उत्साह है कि अमित शाह जी यहाँ हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी पधार रहे हैं, तो उनका विचार सुनने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह है, तो वो यहाँ पहुँचे हैं। हम हमारी तरफ से उनको, चाहे मेरा इलाहाबाद है, सिरसा है, रानिया है, लोग कालांवाली भी है, डवाड़ी भी है, जो लोग यहाँ पर आएंगे हम उनको बसें देंगे, साधन देंगे सबको। मैं यहाँ, क्योंकि जब भाई गोपाल कांडा जी ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने एक ही बात रखी थी कि आप हमें आशीर्वाद दें, आपको कोई किसी प्रकार का खर्चा या आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपके पास बसें भेजूँगा, गाड़ियाँ भेजूँगा, आपने तो सिर्फ यहाँ आना है। कि जितनी ज़्यादा अगर जनता आएगी, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, तो हमारे केंद्रीय मंत्री, मुझे लगता है, कुछ ना कुछ खुश होकर सिरसा में एक बहुत बड़ा तोहफा भी देकर जा सकते हैं।